सो व्हाट्स अप बेटा, आई एम गौतम एंड आई एम प्रेजेंटिंग यू रेसलिंग मेनिया। तो गाइस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं WWE की कुछ फ्रेश और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस वीक मंडे नाइट रॉ और ट्यूजडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कितनी रही, साथ ही साथ किस तरह से सुपरस्टार्स ने रिएक्ट किया रोमन रेंस के रिटर्न के अनाउंसमेंट को सुनकर। साथ ही रोमन रेंस के काफी बड़े जिम पार्टनर ने इस चीज की अपडेट प्रोवाइड करी कि रोमन रेंस काफी जल्दी अपना इन-रिंग रिटर्न करने के लिए रेडी होने वाले हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीक मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। तो जैसा कि गाइस हमने देखा था कि इस वीक में मंडे नाइट रॉ पर काफी तगड़े मैचेस देखने को मिले थे, तो इन सबके चलते इस वीक मंडे नाइट रॉ ने काफी अच्छी व्यूअरशिप को हिट किया। जहां लास्ट वीक के कंपैरिजन इस वीक मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप 12% बढ़कर 2.771 मिलियन व्यूअर्स रही थी। अब बात करते हैं स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप के बारे में। तो इस वीक स्मैकडाउन लाइव ने भी काफी तगड़ी व्यूअरशिप हिट करी, जहां पर हमने मेन इवेंट में एक सिक्स मैन टैग टीम मैच देखा था। इन सबके चलते इस वीक स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप भी लास्ट वीक के कंपैरिजन 11% बढ़ गई और ये रही 2.269 मिलियन व्यूअर्स रही थी। तो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी यहाँ पर कि सुपरस्टार्स ने किस तरह से रिएक्ट किया रोमन के रिटर्न के अनाउंसमेंट को सुनकर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो जैसा कि गाइस अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि ट्रिपल एच ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर इस ट्वीट को पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने बताया कि कोई भी रोमन की तरह फाइट हार्ड नहीं कर सकता, साथ ही साथ कोई भी रोमन की तरह टफ नहीं है और मैं वेट नहीं कर सकता रोमन को वापस से उनके यार्ड में देखने के लिए इस वीक मंडे नाइट रॉ पर। साथ ही साथ मैं ये भी सुनना चाहूंगा कि आखिर उनकी लुकीमिया के साथ में बैटल किस तरह से जारी है। इसके बाद में बात करते हैं साशा बैंक्स की। तो साशा बैंक्स ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये 3-4 इमोजीज पोस्ट करे हाईफाई के और इस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया रोमन रेंस के अनाउंसमेंट को सुनकर। इसके बाद में रूसेव की बात करें, तो रूसेव ने काफी फनी ट्वीट को पोस्ट किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जहां पर रूसेव ने बताया कि भैया मैं सुपरमैन पंच और स्पीयर खाने के लिए तैयार हूं, बस तुम एक बार WWE के अंदर वापस अपना रिटर्न कर जाओ। इसके बाद में एडन इंग्लिश की बात करें, तो एडन इंग्लिश ने भी काफी अच्छे तरीके से ट्वीट को पोस्ट किया, जहां पर एडन इंग्लिश ने लिखा हैप्पी टू सी बिगोस। इसके बाद में मैंडी रोज की बात करें, तो मैंडी रोज ने यहां पर एक तरह से वेलकम बैक किया रोमन रेंस का और हैशटैग यूज किया फाइटर। इसके बाद में टाइटस ओनील की बात करें, तो यहां पर टाइटस ओनील ने यहां पर लिख रखा है कि मैं यहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं कि रोमन रेंस वापस से मंडे नाइट रॉ पर अपना रिटर्न करने के लिए रेडी है। इसके बाद में नटालिया की बात करें, तो यहाँ पर नटालिया ने भी हाईफाई के इमोजीज को पोस्ट कर रखा है। और लास्ट में यहाँ पर ड्रू गुलक की बात करें, तो यहाँ पर ड्रू गुलक ने एक तरह से यहाँ पर पहले तो इस फोटो को पोस्ट किया, उसके बाद उन्होंने कैप्शन में लिख रखा है वेलकम बैक टू रॉ बिग डॉग। तो काफी सारे सुपरस्टार्स भी एक्साइटेड है, साथ ही साथ सारा WWE यूनिवर्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि इस वीक मंडे नाइट रॉ पर फाइनली हमें रोमन रेंस का अक्टूबर के मंथ के बाद में पहली बार रिटर्न देखने को मिलने वाला है WWE के अंदर। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मेजर और फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी क्या है रोमन रेंस के काफी बड़े जिम पार्टनर ने इस अपडेट की प्रोवाइड करवाई कि यहाँ पर रोमन रेंस काफी जल्दी अपना इन रिंग रिटर्न करने के लिए रेडी है। और ये अपडेट प्रोवाइड किया डेविड गोनेया ने। अब मैं आपको बता दूं कि आइसलैंड के अंदर रोमन रेंस अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, जहां पर उन्होंने जिम के अंदर डेविड गोनेया के साथ में इस फोटो को पोस्ट किया और ये फोटो डेविड गोनेया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर पोस्ट करी। जैसा कि आप देख सकते हो ये फ्रेश फोटो है रोमन रेंस की, जहां पर रोमन रेंस जिम के अटायर के अंदर और यहाँ पर जिम अपना कंप्लीट वर्कआउट करने के बाद में रोमन रेंस ने डेविड गोनेया के साथ में इस फोटो को पोस्ट कर रखा है। और यहाँ पर एक तरह से डेविड गोनेया ने कैप्शन में ये लिख रखा है कि यहाँ पर रोमन रेंस काफी एक स्ट्रांग एथलीट है, साथ ही साथ रोमन रेंस सब हर एक बंदे को यहाँ पर मोटिवेट करते हैं काफी अच्छी तरह से और हम काफी ज्यादा प्राउड है, काफी ज्यादा हमें प्राउड फील हो रहा है कि हमने रोमन रेंस को एक छोटा सा स्पेस दे सके जिन सबके चलते वो अपना इन रिंग रिटर्न की प्रिपरेशन कर पाए। तो एक तरह से यहाँ पर डेविड गोनेया ने इस चीज को मेंशन किया कि यहाँ पर रोमन रेंस जो अपना वर्कआउट कर रहे थे वो सब यहाँ पर इसलिए कर रहे थे कि वो अपना इन रिंग रिटर्न करने के लिए रेडी है। अब ये चीज की कितनी सच्चाई है इसके अंदर, ये तो हमें इस वीक मंडे नाइट रॉ पर ही पता चलेगा, लेकिन हम भी होप करते हैं कि रोमन रेंस का काफी जल्दी इन रिंग रिटर्न देखने को मिले। और जिस तरह से अपडेट्स जा रही है, जिस तरह से अपडेट्स आ रही है रोमन रेंस को लेकर और जिस तरह के रूमर्स फैल रहे हैं, उन सबके चलते मे बी हमें रोमन रेंस यहाँ पर रसलमेनिया 35 में मैच फाइट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये थी एक फ्रेश कमाल की अपडेट। तो गाइस कमेंट करके बताना आप क्या कहना चाहोगे रोमन रेंस के रिटर्न को लेकर, साथ ही साथ आप कितने एक्साइटेड हो इस वीक मंडे नाइट रॉ पर रोमन रेंस को देखने के लिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो तो लाइक कर ही देना और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह WWE के अपडेट्स और इंटरेस्टिंग स्टफ जानने को मिलते रहे। सो गाइस बी सेफ, टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो।